मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। आज बजट सत्र के पांचवें दिन स्पीकर गिरीश गौतम ने के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर किताब फेंक कर मारने का आरोप लगा है। उन्होंने कहा कि सदन में मैं स्पीकर से पूछ रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कब कराएंगे। ऐसे बीच संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नियम संचालन पुस्तिका मेरी ओर जोर से फेंक कर मार दी, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने आरोप को झूठा बताया है।